सीरियल नमक इश्क का आने वाला हफ्ता बेहद खास होने वाला है, क्योंकि 29 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक की कहानी में आप कई बड़े ट्विस्ट देख सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। इधर जहां अब कहानी ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो कुछ भी नहीं बताएगी, जी हां, वो युग से अपने प्यार के बारे में नहीं बताएगी कि वो उससे प्यार करती है, क्योंकि अब जब गुंजन को युग ने आई लव यू बोल दिया है तो अब कहानी अपने फीलिंग्स को नहीं आने देगी युग के सामने। हालांकि युग दिन पर दिन कहानी की ओर खींचा चला जाएगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए शांत है कि उसकी फैमिली और दूसरे लोग सब कहानी के खिलाफ है। ऐसे में आप देखने वाले हैं कि एक बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है, जहां पर रूपा की प्रेगनेंसी की जो खबर है वो अभी तक घर वालों को नहीं लगी है। ऐसे में रौनक जो है वो ये चाहता है कि जो उसकी बहन के साथ हुआ, जो बहन को बीच बाजार में उसे बेइज्जत किया गया, उसका सारा का सारा जिम्मा वो युग के ऊपर डाल दे, क्योंकि युग की वजह से ये सब हो रहा है और रौनक बच जा। और रौनक ऐसा ही करेगा, युग के ऊपर सारा का सारा वो डाल देगा कि इसकी वजह से ही आज बहन माँ सबकी इज्जत खतरे में पड़ी हुई है, ताकि युग जो है वो बड़ा डिसीजन ले, क्योंकि उसकी फैमिली में खासकर बहन और माँ जो है उसकी इज्जत के आगे वो कुछ भी नहीं देखेगा। अब आपको बताते चले कि कहानी के चरित्र के ऊपर भी उंगली उठाई जाएगी, क्योंकि रूपा ने जो फॉर्म भरा था उसमें उसने कहानी नाम दिया था, और अब ये बात घर वालों को पता चलेगी और इसके बाद बहुत तमाशा होगा, जहां आप कहानी का एक बहुत ही अच्छा डांस सीक्वेंस देखने वाले हैं, या कह लें टांडव डांस सीक्वेंस होगा, जिसमें आप कहानी को बेहद गुस्से में देखने वाले हैं, क्योंकि जब चरित्र के ऊपर दाग लगता है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होता है, क्या अब कहानी सचमुच वो घर छोड़कर चली जाएगी। वेल, जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीष और सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज़।